स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ में भूगोल का जो चैप्टर 11 है जलमंडल, उसका जो है कुछ भाग पढ़ेंगे। जल चक्र, जल बचत एवं जल संरक्षण आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया था। अब जो है महासागरीय जल की प्रमुख विशेषताएं एवं जो गतियां हैं उसका जो है वो हम अध्ययन आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये महासागरीय जल की विशेषताएं और गतियां क्या होती हैं। महासागर पृथ्वी के तापमानों को मृदु बनाते हैं, वे जलीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हमें मछली तथा अन्य जीवों के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। सर्दियों से इनका प्रयोग देशों तथा महाद्वीपों के बीच परिवहन तथा मछली तथा अन्य जीवों के भोजन के रूप में प्रदान करते हैं। महासागर परिवहन के सबसे सस्ते साधन हैं, परंतु महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम घरेलू कार्यों के लिए अथवा सिंचाई के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यह जल खारा होता है। इसका कारण यह है कि समुद्र में जो नदियां मिलती हैं वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के शैलों के अपरदित पदार्थ लाती हैं जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। इसमें लवण के कण तथा अन्य पदार्थों के कण भी होते हैं। समुद्र के में लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा समुद्र में मिलने वाली नदियों पर निर्भर करती है। समुद्री जल की औसत लवणशीलता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र का जल कभी भी शांत नहीं रहता, इसमें कुछ ना कुछ गति होती ही रहती है, फिर चाहे वह गति क्षैतिज हो या लंबवत। समुद्र के जल में तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं, लहरें, ज्वारभाटा, महासागरीय धाराएँ। लहरें वायु के प्रभाव से समुद्र के जल के ऊपर नीचे होने की क्रिया लहरें या तरंगे कहते हैं। लहरों को केवल सतह पर महसूस किया जा सकता है, जबकि गहराई में ये प्रतीत नहीं होती हैं। पवन की गति के साथ तरंगे धीमी तथा तीव्र होती रहती हैं। तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज होती है तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। ऐसी लहरें कभी कभी बड़ी विनाशकारी होती हैं। सुनामी ही एक ऐसी लहर है। ये लहरें भूकंप, महासागरों के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या एशियन हलचलों को उत्पन्न करती हैं। आजकल लहरों की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इन लहरों का पूर्वानुमान न होने पर मछुआरों को बहुत हानि होती है। दूसरा आता है ज्वारभाटा। ज्वार समुद्र के जल स्तर का प्रतिदिन एक निश्चित समय पर दो बार चढ़ना और उतरना ज्वारभाटा कहलाता है। ज्वारभाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें थोड़ा प्रभाव सूर्य का भी होता है। समुद्र के जल के ऊपर उठने को उच्च ज्वार तथा नीचे गिरने को निम्न ज्वार या भाटा कहते हैं। ज्वारभाटा मछली पकड़ने तथा नौसंचालन में सहायक होता है। कभी कभी उच्च ज्वार बड़े जलयानों को पोताश्रय तक आने तथा पोताश्रय से बाहर जाने में सहायक होते हैं। हुगली पर स्थित कोलकाता बंदरगाह ज्वारभाटा के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं, इन धाराओं की उत्पत्ति वो पृथ्वी के घूर्णन एवं पवनों के कारण होती है। जल धाराएं महासागरीय जल के गर्म और ठंडे होने से भी बनती हैं। ठंडा जल सघन और भारी होता है तथा गर्म जल अपेक्षाकृत कम सघन और हल्का होता है, इसलिए ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा जल समुद्र की तलहटी के साथ साथ धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर गतिशील होता है। विषुवत रेखा के निकट से गर्म जल महासागरों की सतह पर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। जो धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों में विषुवत रेखा की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं तथा जो धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। यदि आप मानचित्र में ध्यानपूर्वक दिशाओं को कभी देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाई ओर मुड़ जाती है। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन होता है। तो आज के इस वीडियो में आपका जो लेसन 11 है जलमंडल वो समाप्त हो चुका है। अब सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अध्ययन करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।